इंदौर में भाजपा प्रत्याशी की नामांकन रैली के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इंदौर में राजवाड़ा पर हुए भाषण के दौरान शिवराज कुछ ऐसा कह गए जिसकी चुनाव आयोग को शिकायत पहुंचा दी गई और इसके बाद कांग्रेस ने भी इस मामले में जिला निर्वाचन आयोग से शिकायत की। शिवराज ने अपने भाषण में एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन का नाम लिया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने भी जिला प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। वहीं जिला निर्वाचन आयोग ने भी उस भाषण को सुनने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। एक राजनीतिक भाषण में आर्मी का उल्लेख किया गया था, जो ईसीआई की एक जनरल एडवाइजरी है उसके तहत हम परीक्षण करके कार्रवाई कर रहे हैं। एक एडवाइजरी है, जो एडवाइजरी जारी हुई है वो वीडियो हम लोगों ने देखा है, अभी उसकी हम ट्रांसक्रिप्ट बना रहे हैं, तो एडवाइजरी का उल्लंघन होगा तो उसकी रिपोर्ट बना के सी ऑफिस को भेजी। इसके अतिरिक्त कलेक्टर को कांग्रेस द्वारा एक और शिकायत भी प्राप्त हुई है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के खिलाफ खजराना गणेश मंदिर में चोला चढ़ाने की शिकायत की गई है। इस मामले पर भी कलेक्टर ने रिपोर्ट शासन को भेजने की बात कही है। और खजराना गणेश मंदिर का जो प्रकरण है उसका भी संज्ञान लेके हम लोग नोटिस इशू कर रहे हैं। कुल मिलाकर इंदौर में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत होने के बाद अब भाजपा प्रत्याशी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।